वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच चुड़ैल, कला जादू और पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक स्टोरी लेकर आते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली कैंट रोड दिल्ली का सबसे डरावनी जगह है। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली की एक भूतिया सड़क के बारे में है। दिल्ली स्मार्ट सिटी है, जहां आपको हर जगह शहरों की चकाचौंध दिखेगी, जो एक साफ सुथरी राजधानी है, जिसे लोग दिल्ली कंटोनमेंट रोड, जिसको लोग भूतिया सड़क भी कहते हैं, दिल्ली कैंट मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल है। आपने भूतिया फिल्मों में जरूर देखा होगा कि रात के समय सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी पहने कोई औरत आने जाने लोगों से लिफ्ट मांगती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दिल्ली कैंट हॉन्टेड की सच्चाई है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय सफेद साड़ी पहने एक औरत वहाँ से आने जाने वालों लोगों से लिफ्ट मांगती है। वो वक्त बेहद खौफनाक और डरावना होता है, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। जब कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वो सफेद साड़ी पहने वो औरत गाड़ी का पीछा करने लगती है और एक खौफनाक हादसे को अंजाम देती है। रास्ते हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं और हमारी जिंदगी का अंतिम सफर बन जाता है। दिल्ली कैंट हॉन्टेड प्लेसेस में से ही एक है, जहां होने वाली भूतिया घटनाएं इस रोड को भयावह बना देती है। यदि आप भी दिल्ली कैंट रोड से गुजरना चाहते हैं, तो सावधान जरूर रहे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का अंतिम फैसला हो सकता है। दिल्ली कैंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है। लोग कहते हैं कि सफेद साड़ी पहने उस औरत की मृत्यु दिल्ली कैंट रोड पर ही हुई होगी। तब से उसकी आत्मा दिल्ली कैंट रोड पर भटकती है, जो दिल्ली कैंट हॉन्टेड बनाती है। दिल्ली कैंट से गुजरने वाले जिन भी लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत के लिफ्ट मांगने पर गाड़ी रोकी और उस औरत को लिफ्ट दी है, उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। उस आत्मा के लिफ्ट मांगने पर जो भी व्यक्ति गाड़ी नहीं रोकता, तो वो आत्मा बहुत गुस्सा हो जाती है और तेज रफ्तार से पीछा करती है और एक भयानक हादसे को अंजाम देते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब दिल्ली कैंट पर हादसा नहीं हुआ हो। दिल्ली कैंट का भूत दिल्ली कैंट की एक प्रचलित कहानी है, जिस वजह से आज भी लोग दिल्ली कैंट रोड पर दिन के समय जाने से भी घबराते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि रात के समय एक आदमी अपनी गाड़ी से दिल्ली कैंट रोड से जा रहा था। भूतिया सड़क पर जाते ही अचानक से सर्दी बढ़ गई और ठंडी सर्द हवाएं चलने लग गई। उस व्यक्ति इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से उसे किसी का हाथ दिखा, जो लिफ्ट मांगने के लिए आगे बढ़ाया गया था। व्यक्ति के ध्यान से देखने पर पता चला कि सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, जिसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही महिला ने अपने चेहरे से बाल हटाए, तो उसका भयावह और विकराल चेहरा देखकर वो आदमी डर गया और उसने गाड़ी चालू कर तेजी से स्पीड बढ़ा भगाना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने सोचा कि अब वो खतरे से बाहर आ गया है, लेकिन जब उसने शीशे में पीछे देखा तो वो और भी घबरा गया, क्योंकि सफेद साड़ी वाली भूतनी भागती हुई उसका पीछा कर रही थी। इसके बावजूद उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब दिल्ली कंटोनमेंट रोड खत्म हो गया, तो सफेद साड़ी वाली भूतनी गायब हो गई थी। सफेद साड़ी वाली भूतनी और दिल्ली कंटोनमेंट रोड की ये घटना अखबारों और न्यूज चैनलों में पॉपुलर हो गई। लोग दिल्ली कंटोनमेंट रोड पर जाने से कतराने लगे। आज दिल्ली कंटोनमेंट रोड भूतिया सड़क के नाम से मशहूर है। दिल्ली कैंट की सच्चाई इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। जिसने भी ऐसा अनुभव किया है, वो ही दिल्ली कैंट की भूतिया कहानी को प्रमाणित कर सकता है। लेकिन आज भी दिल्ली कैंट से जाने वाले लोगों में डर देखा जा सकता है। रात के समय दिल्ली कैंट और भी हॉन्टेड हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।